कोलकाता में एक तारकेश्वर मंदिर है शिव जी का, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा काफ़ी एक बैल है जिसको पूजा जाता है और नंदी बोल के संबोधित किया जाता है, जैसे शिव जी का बैल नंदी उस तरीके से। तो उसके ऊपर 3 अटेम्प्ट हुए उसकी जान लेने के, 3 अटेम्प्ट। एक अटेम्प्ट में गर्म पानी फेंका गया, एक अटेम्प्ट में तेजाब फेंक दिया गया और तीसरे अटेम्प्ट में गला काट दिया गया और उसकी मौत हो गई है। तो सरकार इसका क्या करेगी, मेरा पहला सवाल तो सरकार से है कि क्या इसके पीछे जांच बैठेगी या सिर्फ एक आम जानवर की तरह छोड़ दिया जाएगा कि जानवर मरा है क्या करना है, या फिर क्या वो मुस्लिम अपीजमेंट करने वाली सरकार ये भी सोचेगी कि उस राज्य में हिंदू भी रहते हैं, हिंदुओं के भी वोट मिले होंगे, आस्था का सवाल है, वो CM खुद हिंदू है, या फिर सेंटर को एक्शन लेना चाहिए कुछ। मेरा सवाल है स्टेट गवर्नमेंट से और सेंटर से कि इसके ऊपर कार्रवाई कब बैठेगी। दूसरा सवाल मेरा उस मीडिया से है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, ये TV में आने वाली न्यूज़ क्यों नहीं बनी, इसके लिए हाइप क्यों नहीं क्रिएट किया गया? क्यों? क्योंकि हिंदुओं की आस्था का सवाल था। इस पर आप ज़रा सोचिए, मुसलमान को एक थप्पड़ भी मार दो तो न्यूज़ बन जाती है। मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात को समझने की कोशिश करिए कि कैसे बैल को मार दिया गया और इतने अटेम्प्ट करके मारा गया। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि कोई हिंदू तो नहीं कर सकता, क्योंकि उस वो बैल राह चलता बैल नहीं था, कोई आक्रामक या कोई लड़ाकू या फिर जंगली बैल नहीं था, मंदिर में पूजा जाने वाला नंदी बैल था। तो आस्था किस हद तक जुड़ी है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपने शुरुआत में वीडियो भी देख ली होगी कि किस हद तक लोग उसके आसपास खेल रहे हैं, आप नेट पे आपको और वीडियोज़ मिल जाएंगी और न्यूज़ के नाम पे कुछ गिने चुने आर्टिकल्स मिलेंगे, कुछ एक दो लाइन के। एक रेडिट का मैं आर्टिकल दिखा देता हूँ, आर्टिकल के नाम पे सिर्फ एक हेडलाइन है बस छोटी सी। तो इतना तो हम लोग सीरियसली लेते हैं। खैर, जनता के ऊपर कितना प्रेशर बनाती है, वहाँ की सरकार को बदलने की बहुत ज़रूरत है। मैं यहाँ पे रूडली, चाहे मुझे भक्त बोल दे, चाहे कट्टर हिंदू बोल दे, चाहे RSS, चाहे संघी, चाहे भाजपाई, वहाँ पे वो सरकार हटनी चाहिए, वहाँ पे भाजपा की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि भाजपा कम से कम इन सब चीज़ों को सीरियसली लेती है और भाजपा के राज्य में कम से कम इन सब चीज़ों पे रोक, लोग डरते तो हैं एटलीस्ट। 3-3 अटेम्प्ट करके जान नहीं लेते इस तरीके से किसी की आस्था पे, मतलब ये सीधा 110% आस्था पे हमला था। लेकिन फिर भी लेकिन कोई हिंदू ये कह के बंदूक या तलवार नहीं उठा लेगा कि ये हमारे धर्म पे खतरा है और हम आतंक मचाने निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग तो इतने सीधे साधे होते हैं, जैसे लेफ्ट मीडिया उन्हें बताता है कि ये इतना सीधा था कि पुलिस ने उसको एक थप्पड़ मार दिया तो उसने बंदूक उठा ली और ISIS ज्वाइन कर लिया। खैर, इस वीडियो में मैं बहुत कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की मांगता हूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वीडियो शेयर होना चाहिए, ये मामला दबना नहीं चाहिए, इसके पीछे जांच होनी चाहिए, जिनका नाम आए उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए जिस भी एक्ट के द्वारा हो, और ये दोबारा घटना ना हो सके इसके लिए आप इंश्योर करिए कि सरकार कौन सी होगी बंगाल में। जय हिंद, वंदे मातरम।